नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या किसके बारे में पढ़ा था? विद्यालय के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा था कंप्यूटर लैब के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रयोगशाला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उद्यान के बारे में। उद्यानम, ध्यान हम हिंदी में भी कहते हैं, उद्यान मतलब बाग या बगीचा, तो संस्कृत में क्या कहेंगे, उद्यानम, उद्यानम। तो पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम शब्द के आधार पर इसका हिंदी, जब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तभी हम इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं और शब्द अर्थ हम इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, है ना, उसके अनुसार ही हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो उच्चारण करेंगे पहले, एतत् अस्माकम्। एतत् ये क्या है ना, यह है हलंत। एतत् अस्माकम् विद्यालयस्य, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् अस्माकम् विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति। वयम् अत्र क्रीडामः, वयम् अत्र क्रीडामः, पठामः च। वयम् अत्र क्रीडामः, पठामः च। अब हम शब्द पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी। एतत् यह, एतत् यह। अस्माकम् हमारे, अस्माकम् हमारे। विद्यालयस्य विद्यालय का या स्कूल का, विद्यालयस्य विद्यालय का। उद्यानम् बाग बगीचा, हम उद्यान भी लिख सकते हैं इसको, जो ये उद्यानम् लिखा हुआ है ना, हम इसको केवल उद्यान भी लिख सकते हैं। उद्यानम् बगीचा, बाग या उद्यान। पुष्पाणि पुष्प या फूल, हम दोनों ही कर सकते हैं। वयम हम सब, वयम हम। क्रीडामः खेलते हैं, क्रीडामः खेलते हैं। पठामः पढ़ते हैं, क्रीडामः ये क्रियाधातु हो गई आपकी खेलना, पठामः पढ़ धातु पढ़ते हैं। अत्र यहाँ, तो दोबारा शब्द समझ लीजिए, एतत् यह, अस्माकम् हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम् बगीचा, पुष्पाणि पुष्प या फूल एक ही बात होती है। वयम हम सब, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, अत्र यहाँ। तो अब हम शब्द के आधार पर इसका हिंदी अनुवाद, एतत् यह, अस्माकम् हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, विद्यालयस्य विद्यालय का। उद्यानम् उद्यान या बाग या बगीचा, अस्ति है तो क्या बन गए, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। दोबारा समझ लीजिए, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मतलब बाग में या बगीचे में, पुष्पाणि सन्ति फूल है, तो बगीचा होता है, बगीचे में केवल एक ही फूल थोड़े होता है, बहुत सारे फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, तो फूल के बारे में, तो बहुवचन है, तो उद्यान में फूल है। वयम अत्र, वयम हम सब, अत्र यहाँ, हम सब यहाँ, क्रीड़ा में खेलते च और पठा में पढ़ते हैं, कि हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। हम वापस दोबारा समझेंगे, एतत् अस्माकम्, यह हमारे विद्यालय से विद्यालय का, यह हमारे विद्यालय का। उद्यानम् अस्ति बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में या उद्यान में फूल है। वयम् अत्र, हम सब यहाँ
बच्चों अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था, विद्यालय के बारे में, कि विद्यालय में कौन होते हैं, छात्र होते हैं, अध्यापक हैं और अध्यापिका हैं। उसके बाद पढ़ा था हमने विद्यालय में हमारा कंप्यूटर लैब भी होती है ना, तो कंप्यूटर लैब होती है उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था उद्यान, आपके स्कूल में बाग बगीचे होते हैं ना, उसके बारे में कि बाग में क्या होते हैं, फूल होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद हमने पढ़ेंगे हम विद्यालय के, क्या है ये है आपका संवाद, कि दो बच्चों के बीच में अब संवाद किसको कहते हैं, आपसी बातचीत को, जैसे मैं और कोई और आपस की जो बातचीत होती है वो क्या कहलाती है, संवाद कहलाती है। ये संवाद किसके बीच में है, एक लड़की के बीच में है और एक लड़के के बीच में। लड़की का नाम है ऋचा और लड़के का नाम है प्रणव। तो ये दो जनों के बीच में, एक लड़के के बीच में और एक लड़की के बीच में, लड़की का क्या नाम है ऋचा और लड़के का क्या नाम है प्रणव है, क्या नाम है प्रणव है। तो इन दोनों के बीच में संस्कृत में आपस में वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, तो हम उसको संस्कृत में कैसे लिखते हैं और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद हम शब्द के आधार पर सीखेंगे। तो अब ये दो के बीच में संवाद है, पहले हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसका शब्दों के आधार पर हम इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे, समझेंगे। तो पहले उच्चारण, तब कौन कह रहा है, ऋचा कह रही है, तब नाम किम, ऋचा क्या कह रही है संस्कृत में, तब नाम किम। अप्रणव क्या कह रहा है, मम नाम प्रणव, मम नाम प्रणव, तब नाम किम, तब नाम किम। तब ऋचा क्या कह रही है, मम नाम ऋचा, मम नाम ऋचा, त्वम आधा तय वर्ब के ऊपर बिंदिया लिखी है मैं का, तो त्वम कुत्र पठसि, त्वम कुत्र पठसि। अप्रणव क्या कह रहा है संस्कृत में, अहम अत्र एव पठामि, अहम अत्र एव पठामि। अब ऋचा क्या कह रही है, अहम अपि, अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम अपि अत्र एव पठामि। इदानीं इदानीं आवाम मित्रे स्वाहा, ये कौन कह रहा है, ऋचा, कि इदानीं आवाम मित्रे स्वाहा। अब पहले इनके जो शब्द है इनका हम हिंदी में अर्थ समझेंगे, कि इनको तब को क्या कहते हैं हिंदी में, किम को क्या कहेंगे, उनके आधार पर ये अनुवाद समझेंगे। तब तुम्हारा, तब तुम्हारा, मम मेरा, मम मेरा, त्वम तुम, त्वम तुम, इदानीम अब, इदानीम अब, पठसी पढ़ते हो, पट धातु है तो पठसी पट धातु लट लगा मध्यम पुरुष, पठसी पढ़ते हो, अहम मा, अहम मा, आवाम हम दोनों, दो की ओर अहम आवाम, अपि भी, अपि भी, एव ही, स्वः है, स्वः है। एक बार आप शब्द दोबारा समझ लीजिए, तव तुम्हारा, मम मेरा, त्वं तुम, इदानीं अब, पठसि पढ़ते हो, पढ़ धातु लट लगा पठसि, अहम मम, आवाम हम दोनों, अपि भी, एव ही, स्व हम। अब इस अर्थ शब्द के आधार पर हम इस संवाद का अर्थ समझेंगे, कि ऋचा हिंदी में क्या कहते, ऋचा कहे तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, तो मतलब तुम्हारा, नाम मतलब नाम है, किम मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। वो किसे कह रही है, प्रणव से कह रही है, ऋचा प्रणव से कह रही है तब नाम किम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव क्या कह रहा है, मम नाम प्रणव, मम नाम प्रणव, मम मेरा, वो खुद के बारे में कह रहा है, मम मेरा नाम
प्रण है। तब नाम किम, तब तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो ऋचा को कह रहा है कि मेरा नाम क्या है, प्रणव है। अब वो पूछ रहा है तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तब ऋचा क्या कह रही है, मम नाम ऋचा, तुम पुत्र पटसी। मेरा नाम ऋचा है, मम मेरा, मेरा नाम ऋचा है। तुम पुत्र पटसी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तुम मतलब तुम, कुत्र कहाँ, पटसी पढ़ते हो, कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो पहले ऋचा ने अपना नाम बताया, फिर प्रणव से पूछ लिए कि तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव क्या कह रहा है कि अहम अत्र एव पठामी, अहम मैं, खुद के बारे में कह रहा है, मैं अत्र यहाँ, एव ही पठामी पढ़ता हूँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ, कि मैं इसी स्कूल में, इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। अब ऋचा क्या कह रही, अहम अपि मैं भी, अत एव पठामी यहाँ ही पढ़ती हूँ, अर्थात मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो अहम मैं, अपि भी, मैं भी, अत एव पठामी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम, अब आवाम हम दोनों, कि ऋचा और प्रणव इन दोनों की बात हो रही है कि अब हम दोनों मित्रेस्व मित्र हैं, कि अब हम दोनों मित्र हैं। तो अब हम वापस एक बार आप समझते हैं, तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऋचा कह रही है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम पुत्र पढ़सी, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव क्या कह रहे हैं, अहम अत्र एव पठामी, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। तो ऋचा क्या कह रही है, अहम अपि अत्र एव पठामी, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, अब हम दोनों मित्र हैं। नमस्ते।